कैसे हैं आप लोग? तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी नहीं, बहुत तेज हो रहा है। खराब शुरू करते हैं बिना किसी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे हमारी दी गार्डियन टीम्स के बारे में और हमारी हाउस ऑफ ब्लड चैंपियंस जो रह चुकी है हमारे पाकिस्तान में FFCS में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे दी गार्डियन के बारे में कि वो क्यों नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई हमारे ये जो FFCS का जो मैच चल रहा है यहाँ पर मलेशिया में जाने के लिए, मतलब जो फाइनलिस्ट उसके लिए जो सिलेक्टेड है, तो उन फाइनलिस्ट में वो क्यों नहीं जा सकी। तो भाई इसके लिए उनकी रीजंस तो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि उनका क्या कहना था कि मतलब क्या क्यों नहीं हम परफॉर्म कर पाए। तो पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यार पहली बात तो ये है कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था उनका, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली तो बात यह है कि हमें हेट नहीं करना है, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा खेल के, ज़ाहरी बात है कि पाकिस्तान में से तकरीबन 300 के करीब टीम्स थी जिनमें से एक बेस्ट दो टीम्स निकली हैं बेस्ट एवर, जो तमाम पाकिस्तानियों में तो जिन्होंने मिलकर सेलेक्ट की हैं जनाब। क्योंकि पाकिस्तान का निचोड़ जो निकला उनमें से दी गार्डियन, हाउस ऑफ ब्लड ऐसी दो टीमें हैं जो निकली थी जनाब फाइनलिस्ट के लिए। तो भाई काफ़ी अच्छा मतलब खेला था उन्होंने। तो आगे जो ई स्पोर्ट्स की ज़्यादातर चैम्पियन टीम्स हैं वो भाई खेल रही थी, तो इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हमें यही कहना होगा कि भाई बेस्ट ऑफ लक, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम भी आप ट्राई कीजिएगा। तो इस दफ़ा अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं हम कहेंगे। तो आपका गेम प्ले काफ़ी हार्ड है हमने देखा है, लेकिन ई स्पोर्ट्स की काफ़ी टीम्स थी जो इनके साथ देखने के लिए मिल रही थी, तो उनमें से भी कुछ ये, अब जैसा कि आप देखें तो इंडियन की XTZ और CRX जो टीम्स थी, दो टीम्स उनकी बाहर हो चुकी हैं, एक टीम भी उनकी इंटर नहीं कर पाई। तो हमारी अकेली दी गार्डियन थी तो जो कि उनकी एक टीम से ऊपर ही रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खेल लिया, कोई इतना इशू नहीं है। तो मैं हाउस ऑफ ब्लड के लिए यही कहूँगा कि भाई पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो अगर आप नहीं भी जीतते तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो आपने बेस्ट करना है अपना, बस पता चले एक बार कि पाकिस्तान की टीम आगे खेल रही है मलेशिया में फिनाले में खेल रही है, तो पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की कोई टीम खेल रही है। तो बाकी दी गार्डियन टीम्स के बारे में के लिए मेरा यही मैसेज है कि कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल, बहुत अच्छा खेला है आपने, कोई इशू नहीं है। तो दूसरा जनाब दी गार्डियंस के प्लेयर्स का इंटरव्यू हुआ था बाद में, तो वो आप सुन लें। जो हीरो है हमारे, प्राउड ऑफ पाकिस्तान है भाई, बहुत अच्छा खेल दिया लड़के चारों में, खुद फैन इनका। तो बाकी भाई वीडियो को जो आगे मैंने रखी है इनकी दी गार्डियंस टीम की, वो देखें और इंजॉय करें। बाकी कुछ सीखें इनकी बातों से कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो देखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन जब आप उनके साथ खेलते हो तो आपको पता चलता है कि बाकी में वो स्पोर्ट्स की टीम है। तो आप लोग जो बाकी में सर करें, अब आप लोग SOP जो पाकिस्तान की तरफ से हराने खेल रही होगी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको बेस्ट ऑफ लक ही कहना चाहेंगे। अब वो उम्मीद है पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को, तो बेस्ट ऑफ लक उनको। और हेडशॉट किंग इस टीम के हमारे साथ मौजूद है, बड़ी क्या चीज़ें बनी कि कोई हेडशॉट नहीं ले सके आप? आज और टीम SOP को आप लोग, आप भी कोई अगर मैसेज देना चाहें और मैसेज आप लोग भी पालन। तो गाइस दिस वाज सनी एंड दिस वाज टीम TG जिन्होंने SOP को अपनी तरफ से गुड लक गुड विशेस विश की है। तो गाइस अभी हम लास्ट में बात करेंगे हमारी
टीम्स की क्या कौन कौन सी टीम हमें फाइनल में देखने के लिए मिल सकती हैं, तो आपको राइट साइड पे स्क्रीनशॉट टाइप पोस्टर मतलब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पर पिक, तो उसमें आप टीम्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 टीम कौन सी देखने के लिए मिल रही हैं, तो आपको बताता चलें कि जनाब 3 टीम्स आपको थाईलैंड की देखने के लिए मिल रही हैं और 3 ही टीम वियतनाम की, एक मलेशिया की, एक इंडोनेशिया की, तो एक दी गार्डियन मुँह से निकल रहा है टीम टीजी जनाब इंडिया से है, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट, तो ये पहले भी आकर खेल चुके हैं तो इनका एक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान हाउस ऑफ ब्लड का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं यार कौन सी टीम वेल प्लेड करती है, तो हमारी जो बेस्ट विशेज़ है हमारी हाउस ऑफ ब्लड के लिए होंगी जारी सी बात है, तो बाकी मैं यही कहूँगा कि यार जो सबसे अच्छा खेलेगा वही ये ग्रैंड फिनाले को ले जाएगा, तो बाकी हाउस ऑफ ब्लड से मैं यही कहूँगा कि पेशेंस से खेलें और बाकी ऑल इज़ वेल, जो होगा बेहतर ही होगा, तो गुड लक हाउस ऑफ ब्लड, तो आज की वीडियो में इतना ही, खुदा हाफिज़।